लवली किचन बाय पनीर शिमला मिर्ची की सब्जी, तेल डाल दो, थोड़ा सा ऑयल, छोटे 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 प्याज काट लो जी और डाल दो पैन में, और साथ में काट लो जल्दी जल्दी छोटे छोटे टमाटर और हरी मिर्चें डाल देते हैं, चाहे छोटी डालो चाहे बड़ी डालो की फ़र्क पैंदा जी, टमाटर लेकिन छोटे छोटे कटना, और लकड़ी के चम्मच नाल घुमा दो प्याजों में, तेल बड़ा थोड़ा जा पाना जी, देखो तेल दिख भी नहीं रहा, तेल प्याजों में नाचना नहीं चाहिए, प्याज नाचने नहीं चाहिए तेल में, अभी डाल दे टमाटर, बहुत प्यारी सी सुंदर सी सब्जी बनाऊंगी झटपट फटाफट लवली किचन स्टाइल दी, नाल ही नाल काट लो जी पनीर, पनीर के क्यूब काट लेने जी, बड़े बड़े पीस पनीर के, नमक डाल दो जी स्वाद अनुसार, सेंधा नमक डालना, लेकिन हल्दी डाल दो थोड़ी सी, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दो, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दो, बेसिक मसाले जी सिंपल वाले, और मोटे मोटे प्याज कट लें क्यूब स्टाइल में, प्याज डाल दो, वैसे ही शिमला मिर्ची मोटी मोटी डाल दो, शिमला मिर्ची और मोटे प्याज दोनों का मिक्सचर बनेगी जी मेरी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार, एंड में एक चीज़ डालूँगी वो जरूर देखिएगा, उसके बिना सब्जी नहीं अच्छी बनती है, बस खिलाओ धुलाओ सब्जी को और गैस तेज़ी रखना, झटपट फटाफट 10 मिनट के अंदर मेरी सब्ज़ी बनती है, 10 मिनट भी नहीं लगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मज़ेदार, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि थोड़े से मसाले मिक्स हो जाएं और थोड़ी सी सब्जी पक जाए, और साथ में चूड़ा पनीर, पॉइंट टू बी नोटेड, पनीर डालना है छोटा क्रश किया हुआ और एक क्यूब में, दो तरह के पनीर रखने आपको साथ में इसमें डालेंगे, और बड़ी स्वाद सब्जी बनेगी जी, तुहानू खा के मज़ा आ जाएगा, मेरा तो खुशबू नाल मेरी जान जा रही, फुफला करेंगी, मैं खाऊंगी इसके साथ में ज्वारी की रोटी नहीं तो चावल की रोटी, अब डाल दो जी अपना क्रश किया हुआ पनीर, थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ और सोचो केड़ी सब्जी नाल तुसी केड़ा फुलका खाओगे, हेल्दी खाना जी, मैं आपको बताती हूँ हेल्दी वाली चीज़ें खानी है, बिना हेल्थ के कोई चीज़ नहीं खानी है, अभी ढक दो जल्दी से 5 मिनट के लिए, तब तक आप सुनो कि नाचनी का आटा खाया करो, आटे में मिक्स करके रागी जिसको बोलते हैं, ज्वारी का आटा खाओ, चावल की रोटी खाओ, कुछ कुछ चीज़ों के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं रोटी के बारे में बता रही हूँ, मैं तो खाऊंगी अभी जी, चलो धनिया तो पाओ जल्दी ना, ये डालना है जी ये सीक्रेट ये मलाई, घर की ताज़ी मलाई, पैक फूड नहीं डालना है, पैकिंग वाली कुछ चीज़ें मत लाया करो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ कोई भी पैक फूड को, घर की चीज़ें सब खानी, इस मलाई से बनता है सुंदर पनीर, अब ये क्यूब भी ऐड कर देंगे, देखो जी 5 मिनट्स बन गई मेरी सब्जी, नज़ारे लो जी सब्जी जे, जल्दी से बनाओ खाओ, और खुशबूदार सब्जी झटपट फटाफट, देखो जी पैन में बनाइए, तेल कितना कम डाला ये देखा करो जी, तेल भरा हुआ नदी की तरह तेल नहीं होना चाहिए, उसमें प्याज घूम रहे हैं, सब्जियां घूम रही हैं, कम तेल से बनाओ खाने स्वाद बनते हैं जी, देखो गरम मसाला भी नहीं डाला, लौंग इलायची, 5 मिनट खाली ढको और रेडी हो जाएगी, बनाओ खाओ, और कमेंट्स ज़रूर करो जी, कमेंट्स करने से मुझे पता लगता है, शेयर करने से लोगों को पता लगेगा, तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को शेयर किया करो, आप लोग नहीं करते हो मेरे वीडियो देखने में मस्त हो जाते हो, शेयर बटन भूल जाते हो, प्लीज़ प्लीज़ दबा दिया करो जी शेयर बटन, जिससे कि लोगों को भी अच्छी वाली चीज़ें मिले जी, जैसी भी बनाती हूँ आपके लिए बनाती हूँ बड़े प्यार से, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए मस्त रहिए।